नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। पीएम ने आगे कहा कि हम भारत में कहते हैं कि आरोग्य परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्व सर्वर्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य ही परम धन है और अच्छे स्वास्थ्य से हर कार्य पूरा किया जा सकता है। COVID-19 महामारी ने हमें याद दिलाया है कि स्वास्थ्य हमारे निर्णयों के केंद्र में होना चाहिए। इसने हमें सहयोग का मूल सिखाया है। Systems should also be resilient. We must be ready to prevent, prepare, and respond to the next health emergency. This is especially important in today's interconnected world. As we saw, during the pandemic, health issues in one part of the world can affect all other parts of the world in a very short time. Friends, in India, we are following a holistic and inclusive approach. We are expanding health infrastructure, promoting traditional system of medicine and providing affordable health care to all. The global celebration of the International Day of Yoga, I extend a very warm welcome to you, to India, and to my home state of Gujarat. Joining me in welcoming you are the 2.1 million doctors, 3.5 million nurses, 1.3 million paramedics, 1.6 million pharmacists, and millions of others involved in the healthcare sector in India. Friends, Gandhiji considered health to be such an important issue that he wrote a book titled Key to Health on the subject. वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस ने 18 साल की बीजेपी सरकार को घोटालों की शीट जारी करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है, कांग्रेस बौखला गई, इसलिए उल जुलूल कुछ भी आरोप लगा रही है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मैदान में है, युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस कह रही थी कि एक साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार घोषित तक कर दिया। हमारे सेनापति अब मैदान में हैं। पार्टी पूरी तरह से मैदान में है, युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि एक साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में, सरकार का विकास पर्व चल रहा है, जन कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, अलग अलग गरीब कल्याण और जन कल्याण के कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। अभी 22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ होने वाला है। लाडली बहना जैसी कई योजनाएं पहले से ही हम लोग चला रहे हैं। तो युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो
वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का, हमने जो काम किया है उनके बारे में बताएंगे। वहीं उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई उद्योग संघों और निवेशकों ने राज्य में निवेश करने की रुचि व्यक्त की है और जमीन से संबंधित अपनी जरूरतें भी बताई है। MSIA के लिए बहुत सारी नई नीतियां प्रस्तावित की गई, यहाँ लैंड बैंक भी बनाया है। पिछले दिनों में उत्तराखंड में निवेश करने के लिए अधिकांश काफ़ी बड़े बड़े उद्योग समूह के लोगों ने, निवेशकों ने अपनी इच्छा भी बताई है और हम लोगों को अपनी जो लैंड से संबंधित उनकी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के बारे में भी उद्योग डिपार्टमेंट को बताया है। तो उस संबंध में चूँकि राज्य ने काफ़ी सारे काम किए हैं इस दौरान उद्योग में, हम उद्योगों के निवेश के अनुकूल जो पॉलिसी लेकर आए हैं और MSME से लेकर दीर्घकालिक, अल्पकालिक और मध्यकालिक जो है हमने बहुत सारी निर्णय लिए हैं, बहुत सारी नई नीतियों को प्रस्तावित किया है। तो उन सभी से सभी को अवगत कराना है, हाइड्रो के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को भी धरातल पर हमने पूरी व्यवहारिकता के आधार पर उतारने का काम इस दौरान हुआ है। और एक बड़ा लैंड बैंक भी यहाँ पर बनाया है क्योंकि उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और ये हमारे लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है कि हम राज्य में अधिक से अधिक निवेश ला पाएँ और देश विदेश के जो बड़े उद्योग समूह हैं उन उद्योग समूह को अपने यहाँ आकर्षित कर पाएंगे। वहीं कोटा में छात्र की आत्महत्या पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने कहा कि कोटा में लगभग 18 से 19 साल के बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसलिए छात्रों की समस्याओं को समझना महत्वपूर्ण है। कोचिंग प्रबंधन प्रमुखों को एक बैठक के लिए बुलाया गया है और क्या किया जाना चाहिए इस पर चर्चा की जाएगी। मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों पर ऐसा क्या दबाव आता है कि वे कोचिंग में आने के बाद आत्महत्या कर रहे हैं। चिंता वैसे बना हुआ कि 18-19 बच्चे कोटा के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं, तो मैं उचित समझा एक बार बच्चों के प्रॉब्लम क्या है, एक स्थिति क्यों बनी है। तो जितनी कोचिंग के जो मैनेजमेंट के लोग बुलाया गया है, बातचीत करेंगे और फीडबैक लेंगे कि आप क्या सोचते हो और सरकार क्या कर सकती है। और मैं समझने की प्रयास कर रहा हूँ उनसे, खुद से ऐसा क्या टेंशन बच्चों को होता है कि वो कोचिंग में आने के बाद में सुसाइड कर रहे हैं। तो अच्छा, हमको बात करें तो मैं क्या पाऊंगा कि क्या मैंने महसूस किया, क्या हमें करना चाहिए कदम। वही कानून व्यवस्था की स्थिति पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम बिहार को बदनाम करना है। NCRB रिकॉर्ड के मुताबिक दिल्ली में अपराध मामले सबसे ज्यादा है, चाहे वो हत्या हो, अपहरण हो, रेप या फिर लूट हो, ये सब दिल्ली में हो रहा है। भय जो है लोगों को बिहार से लग रहा है तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसका कोई मतलब है क्या? तो कोर्ट की बात है तो कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और होना होना कुछ है नहीं। ये लोग चाहे कितना भी तंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा, कुछ ना कुछ तो लगातार जो है करना ही रहेगा। तो हम लोग तो पहले से ही, हम लोगों को जो करना है उसके लिए हम लोग क्लियर हैं। इन लोगों से ना कोई डरता है, ना कोई झुकने का, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार को बदनाम करना, बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है। और ये सब चलने वाला है नहीं। अगर कोई क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहाँ है? जो देश की राजधानी है, जहाँ PM रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, NCR में जो आप देखिएगा कितना ज्यादा, वहाँ जो NCRB के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है।
हत्या, किडनैपिंग, रेप, लूट तो दिल्ली में हो रहा है और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आ रही है। वह उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देगा। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई है, 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपए में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए और 13 रुपए का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दे। अरे 24 में भी दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद मंडल के सभी खंड विकास अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख ग्राम विकास अधिकारी के साथ बैठक की, साथ ही भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कह रहे थे। इसी बीच पिछले दिनों मुरादाबाद में सस्ते राशन की कालाबाजारी का एक वीडियो वायरल मामले में माफिया द्वारा खबर दिखाने वाले पत्रकार को धमकाने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप डरिए नहीं, नजदीकी थाने में शिकायत कीजिए, कार्रवाई की जाएगी, यदि ऐसा कुछ होता है तो सुरक्षा देने की बात की है। नहीं, आप धमकी से मत डरिए, कोई धमकाएगा तो सुरक्षा देंगे आपको, लेकिन बड़ी भ्रष्टाचार होगा तो आप उसे जरूर उजागर करिए और उससे अवगत कराइए। सर, तीन दिन तक सर उप जिला अधिकारी ने बोले थे सर, चाहे अन्न योजना हो, चाहे जल योजना हो, चाहे सड़क योजना हो, चाहे सेतु योजना हो, किसी भी योजना में सर तीन भ्रष्टाचार मुक्त भारत और उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प है। भ्रष्टाचारी की जगह किसी सरकारी कुर्सी में नहीं, किसी सुविधाजनक स्थान में नहीं, उसकी जगह जेल में। नहीं, आप धमकी से मत। तो मुरादाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पत्रकारों ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल किया। इस दौरान सरकारी अनाज में कालाबाजारी की खबर दिखाने वाले पत्रकार को मिली धमकी के सवाल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप सच को सामने लाइए, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको सुरक्षा दी जाएगी। तो मुरादाबाद से खबर सामने आई है जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कालाबाजारी की खबर चलाने वाले पत्रकार को धमकी देने वाले सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जहां पर भी भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं आप उन्हें दिखाइए और स्थानीय थाने में जाकर शिकायत कीजिए, अगर आपको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है तो प्रशासन और शासन की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि मुरादाबाद डिप्टी सीएम पहुंचे थे और इस दौरान आगामी चुनावों को लेकर लगातार जो है बीजेपी की तरफ से तैयारियां की जा रही। इसी कड़ी में मुरादाबाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे जहां पर वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और मुरादाबाद में कालाबाजारी की खबर दिखाने वाले पत्रकार को मिली धमकी के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि स्थानीय थाने में जाकर शिकायत करें और ऐसी खबरें चलाएं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ज़रूरत पड़ी तो सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। वहीं कन्नौज जिले के इंद्रगढ़ में बबूल की लकड़ी को काटने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसमें दूसरे पक्ष ने मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने पहुंचकर लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। फिरोजाबाद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के तहत थाना सिकोहाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एटा चौराहे से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस की घेराबंदी में खुद को गिरता देख बाइक सवार लोगों ने पुलिस पर
फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस की टीम बाल बाल बच गई। फायर कर भाग रहे वाहन चोरों के सामने ट्रक आ जाने से वो हड़बड़ाहट में बाइक से गिर गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। तो शिकोहाबाद की टीम ने आज एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गैंग के चार सदस्यों को मुठभेड़ में पकड़ा है। इनफैक्ट ये जो चारों मेंबर हैं उसमें एक आगरा का रहने वाला है और बाकी तीन फिरोजाबाद जनपद के ही हैं। ये पूरे देश में घूम घूम करके जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो टेंपल्स हैं, जहाँ मेले वगैरह लगते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ से मोबाइल चोरी करके ला के और इसको यहाँ पे इनका एक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के माध्यम से उसको सेल आउट करते हैं। इन लोगों की पोजीशन से अभी 19 मोबाइल बरामद हुए हैं और इनके पास जो असलाह है, जब पुलिस ने इनको दौड़ाया था उस समय इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया था, वो असलाह बरामद हुआ है और बाकी एक बाइक बरामद हुई है, 19 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें एक सदस्य है जो प्रमोद, अभी वो शिकोहाबाद का ही रहने वाला है, वो भागा हुआ है, उसको भी हमारी टीम बहुत जल्दी पकड़ेगी। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव रायबरेली पहुंचे। चित्रकूट से जन जागरण यात्रा रथ लेकर अखिलेश यादव रायबरेली के गिगासू बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव जगह जगह रुककर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते नजर आए। बीएड, बीटीसी, शिक्षा में टीटी पास या अन्य नौकरियां जो शिक्षक विभाग की हैं, अब आप सोचिए शिक्षा विभाग को ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा शिक्षा उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। ये हमारी जो पराग है उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो ये जब प्राइवेटाइज का मन है इनका, तो कभी भी बीएड, टीटी पास या शिक्षा मित्र और बीटीसी वालों को नौकरी नहीं देना चाहते। आप बताओ, शिक्षा मित्र बेचारे भटक रहे हैं, नहीं भटक रहे आप? टीटी वाले भटक रहे हैं, आपके बीटीसी वाले भटक रहे हैं, बीएड वाले भटक रहे हैं। तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बर्बाद कर दिया। और प्राइमरी स्कूल आप कभी भी देखा ना, जो समाज के सबसे गरीब परिवार के बच्चे वही पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, और व्यवस्था खराब कर दी सर। प्रधानों से कहा रंग पोत दो, प्रधानों ने रंग पोत दिया। अरे रंगने पुतने से कौन सी अच्छी एजुकेशन हो जाएगी? वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि जिन योजनाओं को बीजेपी चुनावी रेवड़ियां बांटने की बात कह रही है, हमारी सरकार उस पर ही काम कर रही है। हम तो खुद ही चाहते हैं कि बीजेपी हमारी योजनाओं पर अटैक करती जाए, जितना अटैक करेगी हमें लाभ मिलेगा, ये हमारा एजेंडा और नैरेटिव है। एक साथ जिस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर एक अनुपम प्रयोग है, प्रकार से पूरे मुल्क में कहीं पे भी, मेरे दुनिया के मुल्क में नहीं होता होगा, एक साथ में तमाम उस प्रदेश के गांव के लोग एक साथ खेले और कोई एज बार नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। 80 साल के लोग भी खेल रहे हैं, 60-70 साल की महिलाएं खेल रही है और दादा पोते साथ खेल रहे हैं। आप सोचिएगा कि पिछली बार जो है 30 लाख पंजीकरण हुए थे, 10 लाख महिलाएं थी, इस बार लगभग 60 लाख का पंजीकरण हुआ है, 58,500 का पहले हो चुका था, तो लगभग 60 लाख में 25 लाख महिलाएं हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप देख रहे हो जो उत्साह, भी जो रस्सा कसी का खेल था उसके अंदर क्या महिलाएं रस्सा खींच रही थी, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, क्या कबड्डी खेल रही बच्ची हमारी बहन बेटे हैं। आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। तो ये जो इसलिए किया गया जिससे कि ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में हम कहीं नहीं टिकते हैं। गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी के मीरपुर हिंदू गांव के बाहर बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई। बागपत में स्थित DPWS स्कूल का एक बस पहिया गड्ढे में जाकर गिर गया, जिस पर वजह से बस पलट गई। मिली जानकारी के मुताबिक बस ड्राइवर के द्वारा बस को बैक करने के दौरान ये हादसा हुआ। वहीं बस में सवार चालक और परिचालक भी घायल हो गए। बस में 20 से अधिक बच्चे सवार थे, 5 से 6 बच्चों को चोटें आई हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
थाना टोनिका सिटी के अंतर्गत आज डायल 112 पे सुबह सूचना मिली कि सुभानपुर बागपत में DPWS नाम का एक स्कूल है जिसका एक बस मीरपुर हिंदू की तरफ से बच्चों को लेकर के स्कूल वापस जा रही थी। बस का एक पहिया अचानक गड्ढे में आ जाने के कारण बस पलट गई, जिसमें 5 बच्चे, ड्राइवर और हेल्पर मामूली रूप से घायल हो गए थे। परिजनों द्वारा तुरंत उनको अपने साथ ले जाया गया प्राथमिक उपचार के लिए। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, सभी बच्चे सकुशल हैं। वहीं मुरादाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर बोलते हुए कहा कि ये बात सही है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। फर्क इतना है कि हम भूतपूर्व हिंदू हैं, वो अभूतपूर्व हैं। बस अंतर इतना है कि हमारे पुरखों ने इस्लामी आक्रमणकारियों का सामना किया था लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन लोगों ने पुरखों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, अब उन्हें याद है। यदि वो अभूतपूर्व से वर्तमान होना चाहते हैं तो स्वागत है। अच्छे सुझावों के आधार पर सरकार के माध्यम से जो भी जरूरी निर्णय वो भी लेंगे। लेकिन आज मैंने जो विशेष अपील की है, हर ब्लॉक के अंदर एक दिन स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और प्रत्येक शुक्रवार के दिन ग्राम चौपाल का आयोजन होता है जिसमें गांव की समस्या गांव में समाधान, डबल इंजन सरकार का ये प्रयास है। और सभी ब्लॉकों से मैंने आग्रह किया है कि वो ग्राम चौपाल में जरूर जाएं। आने वाले समय में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हमारा प्रयास है कि सीधे जनता से हो, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए चुनावी प्रक्रिया को भी भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और इस दिशा में एक सार्थक प्रयास हमारी सरकार कर रही है। आज यह भी निर्देश दिया गया है कि जो विभिन्न ग्राम पंचायतें हैं अलग अलग जिलों में इस मुरादाबाद मंडल की, उन ग्राम पंचायतों का एक मास्टर प्लान तैयार कर कि आगे आने वाले 50 साल बाद ग्राम सभा का स्वरूप क्या होगा, आबादी कितनी बढ़ जाएगी, कैसी नाली चाहिए, कैसी सड़क चाहिए, कैसे आदर्श ग्राम चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फिल्म नीति पर बोलते हुए कहा कि करीब 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में नई फिल्म नीति शुरू की गई थी। ये नीति अलग अलग हितधारकों के साथ परामर्श के बाद बनाई गई थी। जम्मू कश्मीर फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है, जहां पर एक टीवी धारावाहिक पश्मीना लॉन्च किया गया है। मेरा मानना है कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लॉन्च की थी और सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद ये पॉलिसी बनाई गई। उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि फिर से जम्मू कश्मीर एक फेवरेट डेस्टिनेशन फिल्म शूटिंग का बनता जा रहा है। 80 के दशक तक मैं समझता हूं कि हॉलीवुड की सभी फिल्में या बॉलीवुड की यहां अधिकांश शूटिंग यहां हुई, फिर से वो दौर लौट रहा है। 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। आज सब टीवी ने पश्मीना नाम का एक सीरियल यहां से प्रारंभ किया है। मैं उन्हें शुभकामना देता हूं और मुझे लगता है इससे यहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार और यहां की इकॉनमी में भी अच्छी बढ़ोतरी। फिल्म पॉलिसी